नमस्ते आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं इरेगुलर पीरियड्स इन मैरिड वुमेन, और स्पेशली अगर आपकी शादी हो गई है और शादी होने के बाद से आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो गए हैं या फिर स्केंटी हो गए हैं। स्केंटी के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बनाई हैं, आप मेरी ओल्ड वीडियोज़ में जाकर चेक कर सकते हैं कि ऐसा क्या अचानक हुआ कि पीरियड जो है वो कम आना शुरू हो गया या फिर पीरियड इरेगुलर हो गया। ये क्या है कि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि फीमेल बॉडी इट्स मोर अबाउट हार्मोनल चेंजेस एंड डिफरेंट चेंजेस इन द बॉडी। जैसे फिजियोलॉजी जो है बॉडी की अलग है, हार्मोन्स जो हैं वो बॉडी के अलग होते हैं, बट क्या है कि बॉडी जब डेवलप होती है, बॉडी का जो ग्रोथ होता है, जैसे कि फीमेल बॉडी की जो ग्रोथ है, जो गायनिक बॉडी के हिसाब से हम देखें कि यूटराइन बॉडी की जो ग्रोथ है वो ओवम के ऊपर डिपेंड करती है। ओवम क्या है कि जो हम बोलते हैं कि अगर वो ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो पीरियड्स के रूप में बाहर निकल जाता है, अगर वो फर्टिलाइज हो गया है तो वो बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। पर आपके साथ ऐसा हुआ है कि शादी के बाद से आपका पीरियड जो है वो इरेगुलर होना शुरू हो गया है, या पहले आपका हेल्दी पीरियड था अभी इरेगुलर हो गया है। उसको मेंटेन करने के लिए, सिम्टम्स देखने के लिए हमें ऐसा क्या देखना चाहिए कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए, और उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं या फिर शादी के तुरंत बाद आपने कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स स्टार्ट कर दी थी, तो उसमें मैं आपको सजेशन देना चाहूंगी कि अगर 3-4 महीने से कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं तो उसको कम से कम 1 महीने का गैप दीजिए, और गैप के बाद आप दोबारा शुरू कर सकती हैं। दूसरी बात आती है कि अगर आपने कोई इंट्रायूटराइन डिवाइस लगाया हुआ है प्रेगनेंसी रोकने के लिए, उसके चलते भी ऐसा देखा गया है कि जो पीरियड है वो स्किप हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है या फिर स्केंटी हो जाता है, इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं होती। तीसरी चीज़ होती है कि अगर आप कॉन्ट्रासेप्शन के लिए या कॉन्ट्रासेप्शन रोकने के लिए इंजेक्शंस लगवाते हैं, तो वो इंजेक्शन्स भी क्या करते हैं, बॉडी में हार्मोनल डिसफंक्शन करते हैं। डिसफंक्शन इन द सेंस कि वो हार्मोन्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं, इसकी वजह से आपको पीरियड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। पर इन तीनों ही केसेस में आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप फीमेल हैं, आप मैरिड हैं, अगर फिर इन सब चीज़ों के साथ भी अगर आपके पीरियड्स कंटिन्यूअसली 1-1.5-2 महीने से ज़्यादा ऊपर नीचे हो गए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक प्रेगनेंसी टेस्ट ले लीजिए या फिर अपने नियर बाय गायनिक को कंसल्ट कीजिए।